नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। मुखातिब हूँ इसलिए कि एक ऐसी महिला एम्पावरमेंट की एक नेता के साथ उनके साथ हम बातचीत करेंगे। समझे होंगे कि आप उनका फोटो देख के भी आप पहचान गए होंगे कि मेरे साथ आज कौन बात करने वाले हैं। इससे एक बेवाक बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ हैं गायत्री देवी, जो हिसार जिला की महिला मोर्चा की प्रधान है, बीजेपी की। एक फौजी के यहाँ पैदा हुई, जिन्होंने बीजेपी में विभिन्न पदों पर रहकर एक समाज सेवी का बनकर कार्य किया, भाजपा को जिन्होंने जिया है, ऐसी गायत्री देवी हमारे साथ हैं। उनके साथ हम बेबाक बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे कि भाजपा में महिलाओं को कितनी तरजीह दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में प्रचंड बहुमत से आई और प्रदेश के अंदर इश्यूज अलग अलग होते हैं। 85 सीटों का दावा किया जाता है कि नेताओं द्वारा, क्या मनोहर लाल खट्टर रिटेन करेंगे प्रदेश के अंदर, क्या दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके दावे कितने स्टिक दावे हैं, ये सब बातचीत करने के लिए मेरे साथ बैठी हैं गायत्री देवी जी। बहुत शिक्षाविद है, चीज बीएड और मास कम्युनिकेशन में आपने मास्टर्स की है और अनायास आपका भारतीय जनता पार्टी में आना होगा। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा स्लोगन है, उसको लेकर उस अभियान की, उस एक्सपेडिशन की 7 जिलों की प्रभारी भी रही हैं। उसके बाद विभिन्न उदों पर आपने बीजेपी में काम किया। अब महिला मोर्चा की आप जिला अध्यक्ष हैं हिसार जिला की। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका गायत्री देवी हांसी की आवाज में। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। आपने शॉर्ट नोटिस पर हमारे मीडिया पर आना गवारा किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त पहले ही कर देते हैं। इस बीच में बातचीत शुरू करने के पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया और हांसी के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत लिया और अब आपके नेता बकौल बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके 85 सीट का दावा करते हैं, क्या ऐसा क्या तीर मारा है प्रदेश के अंदर कि आप विपक्ष का सुपड़ा साफ कर देंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आप देखिए कि जिले से लेकर बूथ लेवल तक, पन्ना लेवल तक हर कार्यकर्ता ने जी तोड़ मेहनत करके हरियाणा से 10 की 10 सीटें जो माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया है और यहाँ से भी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई बृजेंद्र जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। तो ये हर कार्यकर्ता के दिल में, दिमाग में जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं उनके घर तक पहुंची हैं, जिनको आर्थिक रूप से उन्होंने मजबूत बनाया है, जो लोगों के दिमाग में और दिल में नरेंद्र मोदी जी की छवि बनी है और उसी के कारण आज दोबारा से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और हरियाणा में भी अब की बार हमारा नारा है कि अब की बार 75 पार। जिस प्रकार से लोकसभा में जनता ने विश्वास दिखाया है, सबका साथ सबका विकास और उसके साथ सबका विश्वास, उसी विश्वास के साथ हम हरियाणा में भी 75 से ज्यादा सीटों को लाने का दावा करते हैं। कैसे को दावा करती है? स्टेट के इश्यूज अपने अलग होते हैं, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं और स्टेट और सेंटर में तो बहुत फर्क है। क्या फिर से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आप स्टेट में वोट मांगेंगे या विकास कर लेंगे? और विकास की जब बात करते हैं, जहां आप हांसी शहर में पैदा हुई, जन्म हुआ आपका, पली बढ़ी पूरी, और हांसी में विकास की बात करते हैं तो आप खुद ही बताइए कि हांसी कितना विकसित शहर बन चुका है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। मैं हांसी में पैदा हुई हूँ, यहीं पर जन्मी पली बढ़ी, यहीं पर शिक्षा और फौजी की बेटी जी, राष्ट्र हित की जो भावना है वो शुरू से ही परिवार से मिली है। शिक्षा के माध्यम से
या परिवार के माध्यम से अनुशासन पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जहाँ हांसी के विकास की बात आती है तो हांसी में जहाँ जन्म होता है उसी जन्म भूमि को मैं अपनी कर्म भूमि बनाना चाहती हूँ और अपना पूर्ण जो सहयोग, अपना पूर्ण जितना भी मैं अपना योगदान दे सकती हूँ उसके लिए मैं प्रयास करूँगी। दूसरी बात, एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आज मैं गांव में डोर टू डोर जा रही हूँ, बूथ एजेंटों को सम्मानित करने का मैंने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है जिसमें मैं कम से कम 42 गांवों को मैं कवर कर चुकी हूँ और अब हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, सदस्यता नए लोगों को जोड़ने का जो हमारा प्रयास है। उस प्रयास में आज माननीय सुभाष भराड़ा जी हिसार में जो संकल्प रथ यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाई और उन्होंने कहा कि हम 6 लाख से ज्यादा जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा से अब तक जोड़ चुके हैं और मेरा भी प्रयास है कि हांसी में जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या होगी हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटर्स को अपने साथ जोड़कर जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी नीतियां हैं उनसे अवगत कराएंगे कि हांसी के अंदर विकास कितना देखती है आप। हांसी तो सड़ रहा है, सस्ते कैटल्स हैं यहाँ, सफाई के नाम पर यहाँ डेब्रिश है, पिरामिड्स लगे हैं गंदगी के, यहाँ पानी की निकासी नहीं है। तो आप तो रहती हैं यहाँ की बेटी हैं, हिसार रहती हैं और इतनी यानी कि मास कम्युनिकेशन किया हुआ है और जो अखबारी चीज़ें हम लिखते हैं हमसे ज़्यादा आप जानती हैं कि भी हांसी का विकास फिर कैसे पार पाएंगे, इस हांसी को जीतने के लिए आप कैसे पार पाएंगे। मैंने आप अरे ऐसे शहर उस प्रदेश में बहुत हैं, यही कह रहा था कि स्टेट के मुद्दे अलग हैं और सेंटर के अलग हैं, तो प्रदेश के अंदर ऐसा क्या तीर मार दिया बीजेपी ने कि 75 पार की बार 75 पार और कई तो 85 की भी आंकड़ा अलग अलग थे। मैंने अभी आपको बताया कि मेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि। दूसरी बात कि जो हांसी में समस्याएं हैं, मैं संगठन की सिपाही हूँ, सच्ची सिपाही हूँ और मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आप जहाँ कचरे की बात करते हैं तो आप बताइए संगठन में अगर कोई कचरा हो तो मुझे बताइए, उसके लिए तो मैं अपनी कोई आवाज उठा सकती हूँ, लेकिन ये सरकार की बात है। सरकार को भी मैंने समय समय पर, मुख्यमंत्री जी को भी, प्रशासन को भी समय समय पत्र माध्यम से मैंने उनको जो हांसी की समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है या फिर जो सड़कें ना बनना, उनसे समय समय पर मैं उनको अवगत कराती रहती हूँ और मुख्यमंत्री जी को मैं 200 से ज्यादा पत्र उनको लिख चुकी हूँ हांसी की समस्याओं के बारे में। अभी आपने कहा कि संगठन में कोई कचरा नहीं है, क्या एक संगठन की जिला अध्यक्ष होना उसकी जिम्मेवारी दायित्व तो बिल्कुल खत्म हो जाता है कि किसी विकास का नहीं, यहाँ की विपक्ष की विधायिका है है तो वो कुछ नहीं करती, तो आप लोगों का दायित्व तो नहीं बनता कि हांसी में कुछ करवाए, हांसी को विपक्ष का दर्श झेलना पड़ रहा है यहाँ के हांसी के लोगों को। जो दायित्व तो मेरा बनता है वो संगठन का दायित्व तो है कि कौन से कहाँ पर क्या समस्या है, और मैंने आपको भी बताया कि ये प्रशासन का काम है कहाँ पर कचरा है, कहाँ पर पानी की समस्या है, कहाँ पर समस्या। मैं संगठन के माध्यम से काम कर सकती हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो मंत्री हैं, ग्रीवेंसी के जो हमारे चेयरमैन हैं माननीय बनवारीलाल, बिल्कुल जो उनके चेयरमैन हैं, मैं उनको भी समय समय पर जो हमारी हांसी की समस्याएं हैं उसको उनसे अवगत कराती रहती हूँ, क्योंकि हांसी से मेरा प्यार है, हांसी से मेरा प्रेम है, एक अलग लगाव है मेरा और मैं समय समय पर अपने हरियाणा के मानचित्र में हांसी को एक अलग ही तर्ज पर देखना चाहती हूँ। लेकिन हांसी में फिलहाल क्या चल रहा है, प्रेजेंट प्रिवेलेंट सिनेरियो मुझे बताएं। प्रेजेंट ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का फोकस ये है कि सबका साथ और सबका विकास, और सबके साथ और सबके विकास के साथ वो हर विधानसभा में गए हैं और हर विधानसभा में हमारा समान रूप से विकास हुआ है। लेकिन लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हमारे यहाँ का विधायक है, वो विधायिका है, वो विपक्ष की है और जो जिसको हांसी से कोई लगाव भी नहीं है, ना ही तो वो यहाँ की स्थानीय है, ना वो स्थानीय है और ना उसको कोई लगाव है, बाहर की है, आती है चली जाती है अपने विदेशी दौरे की तरह। चलो तो आपकी बात बड़ी करता हूँ, हरियाणा एक हरियाणवी एक मुख्यमंत्री जी का नारा है, जहाँ विपक्ष की विधायिका भी हो वहाँ भी यानी कि सरकार को काम करना पड़ रहा है। समान रूप से ग्रांट तो हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में आई है, लेकिन
उसको हम कितने अच्छे ढंग से उसको ध्यान में रखकर कहाँ कहाँ हम उसका पूर्ण रूप से उसको लगा सकते हैं और हमारे हाँसी का विकास करवा सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो विधायिका है उसका भी बिल्कुल ध्यान नहीं, हम संगठन के सच्चे सिपाही हैं और संगठन की तर्ज पर हम अपना जितनी बातों से मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी को अवगत करा सकते हैं, प्रशासन को अवगत करा सकते हैं, प्रशासन को जगा सकते हैं। वो मैंने बिल्कुल पूर्ण रूप से हाँसी के बारे में हर एक आवाज उठाने का कार्य मैंने किया। जो नंदन भाई हो गया, आप एक कैडर कार्यकर्ता है, बीजेपी में आपाधापी मची हुई है, आई बीजेपी, आई सरकार सभी संगठनों के यानी कि सभी विभिन्न पार्टियों के विपक्षी पार्टियों के नेतागण, हाल ही में आप विनोद मेहता जी जो सिर पे सलार होते थे अपने कुलदीप बिश्नोई जी के, रेणुका बिश्नोई जी के हैं, आज आप इंडक्ट करवा के आई हैं, क्या आप उनके साथ ही नहीं होंगे जब वो पराला जी आए इस साल में उनका इंडक्शन का जो कार्यक्रम रहा होगा, और इस तरह के पीछे भी काफ़ी दूसरी पार्टियों में, क्या आप इनका प्रोफाइल देखते हैं? आप संगठन की बात करते हैं, संगठन से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या इनका बैकग्राउंड देखते हैं जो आप पार्टी में शामिल करते हैं या कुंभा बढ़ाने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक समुंदर है, उसमें हमारी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, 15 करोड़ से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं और उसमें पार्टी में बहुत सारे नदी नाले आपस में आके मिल जाते हैं और वो समुद्र में वो गिर जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता को अपने साथ लेती है, उस कार्यकर्ता को अपने साथ में रखती है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। अगर कोई भी सदस्य कहीं पर भी है और वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है और वैसे भी सदस्यता अभियान चला हुआ है तो उस वो हमारा सदस्य पटका पहनाकर अगर हमारी विचारधारा से प्रभावित है तो हम उसका पार्टी में पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो दूसरी विपक्षी विनोद मेहता जी आज हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। क्यों ना करेंगे, पार्टी को मजबूती मिलती है, जनता पार्टी के साथ है, पार्टी जनता के साथ, हम चुनाव के समय आपस में सामंजस्य होना जरूरी है। गायत्री जी एक बताइए, जब टिकट की बात आए ये लोग सभी यानी कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे विनोद भ्याना जी हैं, अतर सिंह सैनी जी हैं, विनोद मेहता जी हैं, जो विभिन्न पार्टियों से छोड़ छोड़ कर भाजपा में आए हैं और सारे कदावर नेता अपने अपनी पार्टी में रहे हैं, अगर वायदा में इनको टिकट नहीं मिली तो ये क्या समर्पित कार्यकर्ता बनकर यानी कि काम करेंगे? आपको टिकट मिल जाती है, इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टू यू, सपोज आप टिकट ले लेते हैं यहाँ से तो क्या इनसे आपने उम्मीद रखी है कि विनोद मेहता जी, अतर सिंह सैनी जी, विनोद भ्याना जी, अदर्स जो भी दूसरी पार्टी छोड़ के आपकी पार्टी में भाजपा में आए हैं, आस्था जताई है, वो आपके लिए पूरी आस्था से काम करेंगे? बिल्कुल, मैं पार्टी की संगठन की कार्यकर्ता हूँ और मेरा सबसे प्यार प्रेम है और जहाँ तक सबसे मेरा मिलना जुलना है और जो लगाव है उससे मुझे लगता है कि भाई बहन और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने भी पार्टी में हैं वो पूर्ण रूप से मेरा साथ देंगे। और संगठन की बात है, संगठन की नज़रें बहुत तीखी हैं और संगठन हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को, अपने पन्ना प्रमुख सदस्य को भी वो तीखी नज़र से देखता है कि वो कार्यकर्ता मेरा कितना कार्य कर रहा है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, टिकट ना मिले तो फिर बागी होने का भी अधिकार है। नहीं, वो तो देखो एक अलग बातें हैं, लेकिन जहां आपने मेरे लिए बात कही तो मुझे लगता है कि संगठन के नाते से और संगठन की सच्ची सिपाही होने के नाते से जो लोगों से लगाव है और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, जितने पुराने कार्यकर्ता है, वो सब मेरे साथ। आपके ओरेटरी में बड़ा शहद है, बड़ा मीठापन है, इसलिए सारा आपसे लगाव रखते हैं। मैं एक और बात कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है, वो चाहते हैं कि विलिंगबिलिटी वाला कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का लेना पड़े, चाहे पीछे की उसकी बैकग्राउंड कैसे हो। पिछले दिनों बघोल यानी कि मनीष ग्रोवर जी ने उन्होंने कहा कि विधानसभा में सिरों की गिनती होती है, तो विधानसभा में हमें सिर चाहिए, हमें किस बैकग्राउंड का हो, कौन हो, लेकिन उसमें विलिंगबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे में आप जो कैडर बेस के कार्यकर्ता हैं, धरातल से जुड़ी हुई हैं, जमीन आगे तक जानती हैं बीजेपी, जगह जगह जाकर बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों पर व्याख्यान करते हैं, वो कहाँ टिकट के उसमें पैनल में खड़ी दे रही है? मेरा एक क्वेश्चन आपसे है,
आप कहते हो कि बैकग्राउंड जो हमें चेक करना है कि बैकग्राउंड जो भी कार्य करता है आपका, जो भी कार्य करता है आपका भारतीय जनता पार्टी में, अगर तो आप पत्रकार हैं, मीडिया तो बहुत चौथा स्तंभ हमारा है, तो मीडिया को तो फिर अब बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड पता होता है, तो ये बातें आप उठाइए ना, हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन में पूर्ण हम पूर्ण रूप से लिप्त है ना संगठन में बिल्कुल, और जहाँ पर हमारे जहाँ पर हमारे पास कोई बात आती है, जहाँ पर हमारे पास कोई बात आती है, तो मैंने अभी भी बताया कि चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नया व्यक्ति हो, और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल होता है, और शामिल होता है तो उसको विचारधारा के बारे में और सब सारी चीजों के बारे में प्रशिक्षण वर्ग लगा के सिखाया जाता है, और उसको करप्शन मुक्त भी किया जाता है। बीजेपी यानी कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, देखो ये तो सामने अभी आई है, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको, हम तो संगठन के हैं, जनता में जाना है, जनता की आवाज बनना है, जनता की सुनना है, और जनता के प्यार और आशीर्वाद आगे बढ़ना है, तो ये शीर्ष नेतृत्व सोचेगा, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, आपने आपको छोटा मत कहिएगा, आप जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कार्यकर्ता करते हैं, तो हम भी कार्यकर्ता हैं, जहाँ प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हम कार्यकर्ता हैं, तो हम तो जिले के अध्यक्ष हैं, तो उसमें तो हम तो हैं ही कार्यकर्ता भी। मैडम जी, यहाँ पर इतने टिकट के दावेदार हो गए हैं, और जिसको देखे थे मैं टिकट लेके आऊंगा, कॉलर चौड़ा करके फेंकता है, ऊंचा करके फेंकता है, तो क्या इन सब में आप अपने आप को पार पाएंगी, हैं आपकी यानी कि क्या क्या ऐसी मेरिट्स हैं जो आप टिकट के लिए आप अपने आप को खड़ा पाते हैं? मैं बताता हूँ, आपकी क्वालिटी एक ओरेटर अच्छी है, आप एक वेल एजुकेटेड हैं, शिक्षा भी हैं, आपको पूरी और हांसी से बिलोंग करती, ये तो मैंने गिना दी, और आप बताइए कि भैया आपने और क्या किया हांसी के लिए पर्टिकुलर, जो आप यहाँ क्लेम करते हैं हांसी के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, जिन्होंने बिल्कुल पारदर्शिता से, बिल्कुल ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी रखी है, बिल्कुल ईमानदारी से उन्होंने कार्य करा, वो संगठन में रहे हैं, और संगठन की हर व्यक्ति को, और संगठन के कौन व्यक्ति सच्चे दिल से यहाँ पर कार्य कर रहा है उसको बहुत अच्छे से वो जानते हैं, उसी के साथ हम संगठन से जुड़े रहे हैं, अनेक कार्यकर्ता आपके सामने कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कह दिया कि किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है, हम कार्यकर्ता को ले रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में हमारा जो आम जनमानस है वो बढ़ रहा है, हमारी पार्टी पर विश्वास जता रहा है, उसी विश्वास के साथ हम उनको शामिल कर रहे हैं। और टिकट की जहाँ पर बात आती है, तो हांसी के बारे में मैंने एक सोच बना रखी है कि हांसी को जो पूर्ण रूप से, एक तो गंदगी जो फैली हुई है इसका विकास करवाना है, युवाओं को रोजगार के लिए सोचना, रूप से जिला भी बनवाना, युवाओं के लिए रोजगार के लिए सोचना है, किसानों को जो पूर्ण लाभ कैसे मिल सके, महिलाएं जो है वो कैसे आगे बढ़ सकती है, ये सारा नेतृत्व उनमें उनके लिए करना है, में तो होती है, उनके लिए करना है, एक करने की बात अलग होती है, तो उसमें वो उनके लिए मैंने सोच बना रखी है कि जो मेरा हांसी है, इस हांसी से मेरा प्यार है, ये हरियाणा में जो हमारा मानचित्र है उसमें अलग से उभरे, तो ये मेरी सोच है, और मुख्यमंत्री जी और हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता है उनको बहुत अच्छे से देखते हैं, उनकी नजरें बहुत तीखी है, वो अपने कार्यकर्ता को हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, हाँ, और कमल के फूल जिसको भी मिल जाएगा, जो पटका आपने डाला हुआ है। मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछता हूँ, आप आरोप लगाती थी कांग्रेस पर कि वो पॉलिटिकल मैंडेट आप समझ पा रही हैं कि इसका मैं हिंदी अनुवाद कर दूँ कि राजनीतिक राग द्वेष से काम करते हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई पर इंफॉर्मर्स जो है डायरेक्टरेट के यानी ईडी की छापे मरवाना
क्या भूपेंद्र हुड्डा के प्रतिष्ठानों पर, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनके प्रतिष्ठानों पर ईडी द्वारा छापे मारना क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत नहीं है? क्या राजनीतिक राजद्वेष के तहत नहीं है? जबकि चुनाव नजदीक आ रहा है, 5 साल निकल चुके हैं, अब उनके ऊपर यानी सिकर कसा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। आज भी यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन कर रहे थे हांसी के, ऐसा आरोप लग रहा है। ये इसमें सरकार का कोई वो नहीं होता, प्रशासन ने जो कार्य करना है उनको कुछ उनके खिलाफ रिपोर्ट मिली होगी, कोई कारण रहे होंगे, लेकिन इसमें कोई भाजपा सरकार का इसमें कोई गायत्री जी, आप क्या संदेश देना चाहती है? आप हमने आपसे खुल के बात की महिलाओं के लिए, महिलाओं की आज की स्थिति बड़ी दयनीय है, महिला एम्पावरमेंट के लिए आप काम करती, फीमेल सुसाइड जो है, कन्या भ्रूण हत्या भी हो रही है, महिलाएं आज भी मैं देख रहा हूँ कटोरा ठाकर भी मांगती हैं, उनको रोजगार नहीं है, और महिला उत्पीड़न भी बहुत हो रहा है, प्रताड़ित भी किया जा रहा है महिलाओं के साथ, एट्रोसिटीज इंग्लिश का शब्द जातियाँ भी होती हैं, तो आप जाती हैं महिलाओं के बीच में तो क्या देखती हैं, क्या वाकई इनका सुधार हो गया है? मैं महिलाओं के लिए और हासिल के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ भी संत ने मेरे ऊपर जब भी विश्वास जताया तो उसके अनुरूप मैं महिलाओं को जागरूक करके उनको आगे लेकर आऊंगी और उनके नेतृ उनका नेतृत्व करके उनको हर प्रयास करूंगी कि वो अपने क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, कोई महिला जो है वो लघु उद्योग के माध्यम से, ये अनेकों प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं जो आज भी मैं कम से कम 200 महिलाओं से डेली मेरा मिलना होता है, चाहे आप घर पे आके देख लीजिए, सुबह 6 बजे से और रात के 9-10 बजे तक मेरा सबसे मिलना जुलना रहता है, तो मैं उनको समय समय पर इस चीज़ से अवगत भी कराती हूँ और आगे भी मैं उनके लिए, उनके साथ, महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी मिलूंगी। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हमारी महिलाओं की भावनाओं को समझते हुए उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटने का कार्य किया है, पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अगर मुझे मौका मिला तो हांसी की जनता के लिए, हांसी के लिए पूर्ण रूप से हांसी में 4 चांद लगाने का, चहुमुखी विकास करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद गायत्री जी, आपने बहुत अच्छे मीठे शब्दों से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, वो बड़े सलीके से हवाओं में खुशबू घोल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मीठा बोल जाते हैं, गायत्री जी बड़ा मीठा बोलती है, हमारी कर्कश आवाज़ को भी यानी उन्होंने झेला और बड़े मीठे ढंग से इन्होंने एक एक प्रश्न का जवाब दिया। आप हैं गायत्री देवी जी जिनके साथ हमारी एक विवाद बातचीत हुई, हम आपकी शुभकामनाएं देती हैं कि आपने जो कुछ कहा, हांसी के लिए जो विकास कार्य करने की बात कही वो फलीभूत हो और आप राजनीति क्षेत्र में आगे बढ़ती जाएं और महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी महिला वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य करें। रही बात टिकट की, मेरे हाथ में तो है नहीं गायत्री जी देना, तो वो आप अपना क्लेम आप रखेंगे कि आप एक कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, तो आप क्लेम रखेंगे तो मुख्यमंत्री तक बात हम जरूर पहुँचाएँगे कि आप जैसी सशक्त महिलाएँ राजनीति में आएँ, ताकि हमारे हांसी का तो एटलीस्ट जहाँ जन्मी है वहाँ कूड़ा का ढेर है, आज मैं गया होगा आर्य नगर कॉलोनी में सड़ रहा है जहाँ आप पैदा हुए हैं, तो उसको तो एटलीस्ट आप सुधारने का काम करेंगे। मनप्रीत विधायक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे मीडिया पर आके हमें कृतार्थ किया और विवाद बातचीत की। नमस्कार मित्रों, ये थी गायत्री देवी। अक्सर हम आपको कहते रहते हैं कि हांसी की आवाज़ मीडिया को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, लेकिन आपकी फीडबैक भी हमें आनी जरूरी है। अभी मुझे एक फीडबैक मिली कि मंसूर जी आप बोलते ज़्यादा हैं, अगर बोलूँगा नहीं तो आप सुनोगे कैसे व्यूअर्स, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ अपने आप को कि मेरे सामने जो इंटरव्यू दे रहा है वो ज़्यादा बोले और मैं कम बोलूँ, लेकिन आज भी मैं ज़्यादा बोल गया क्योंकि बैठी ही एक ऐसी महिला सशक्तिकरण के नेता थी जिनके साथ मुझे बात करनी थी, तो आपका प्यार मोहब्बत स्नेह आपकी फीडबैक हमें मिलती रहती है, और भविष्य में भी आप इसी तरह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए नए प्रोग्राम को एक नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ लेकर आएंगे।
तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। मैं राजीव बंसल आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।